हेलो एवरीवन, आज हम अग्निपथ स्कीम के बारे में जानेंगे। सो अग्निपथ एज 17.5 यानी 17 एंड हाफ टिल 21 ईयर्स, 17.5 साल से लेके 21 साल के उम्र वाले लोग इस अग्निपथ स्कीम में रिक्रूट हो सकते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस इज 4 ईयर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। टोटल 4 साल का ये स्कीम रहेगा। फर्स्ट ईयर सैलरी पैकेज ऑफ 4.76 लाख रुपीज़ विद अपग्रेडेशन ऑफ अप टू ₹6.92 लाख इन फोर्थ ईयर। पोस्ट रिलीज सेवा निधि पैकेज ऑफ अप्रॉक्स 11.71 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। टैक्स फ्री आपको ये रहेगा, जो भी आपको 4 साल में जो रुपए मिलेंगे वो टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा। नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹48 लाख। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट विल असिस्ट इन पोस्ट रिलीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़। 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, आप जिस भी स्किल में माहिर होंगे, गन चलाने में या कोई दूसरा स्किल करने में, आपको उस स्किल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 46,000 अग्निवीर टू बी रिक्रूटेड दिस ईयर। श्री राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, 29th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एडमिरल राधा कृष्ण कृष्णन हरि कुमार, चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। भारत सरकार ने मंगलवार को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई अग्निपथ योजना का ऐलान किया। इसके तहत बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शॉर्ट टर्म के लिए सैनिक की भर्ती की जाएगी, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया 90 दिन के भीतर शुरू हो जाएगी और पहला बैच 2023 में आएगा। अग्निवीरों की क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक बैच से 25% तक सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में शामिल किए जा सकते हैं। कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा, यानी सर्टिफिकेट उन्हें मिलेगा, स्किल सर्टिफिकेट। अभ्यर्थियों की आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। अग्निवीरों के ट्रेनिंग 10 सप्ताह से लेकर अधिकतम 6 महीने चलेगी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए है ये। पिछले 2 साल में इस प्लान को लेकर काफी विचार विमर्श किया गया और अंत में इसे लागू करने की घोषणा की गई। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। योग्यता। नई प्रक्रिया में अग्निवीरों को टेक्निकल माहौल में ट्रेन किया जाएगा। यह ट्रेनिंग अधिकतम 6 महीने चलेगी। सिपाहियों, एयरमैन और सेलर्स की भर्ती होगी। आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। बाकी योग्यता व शर्तें वही जारी रहेंगी जो अभी हैं। 10वीं और 12वीं के छात्र आवेदन कर सकेंगे। जो युवा 10वीं के बाद भर्ती होंगे, उन्हें सेना की ओर से 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड मिलाकर कुल 4 साल की नौकरी होगी। अग्निपथ स्कीम भारत सरकार की तरफ से सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत महज 4 साल के लिए सेना में युवाओं की भर्ती किया जाएगा। लेकिन इस योजना के तहत महिलाओं के पास भी बड़ा मौका है। अग्निपथ योजना में महिलाएं भी अग्निवीर बन सकेंगी। सेना की तरफ से ये ऐलान किया गया, जिसके बाद महिलाओं को भी बतौर सैनिक
तीनों सेनाओं में भर्ती होने का मौका मिलेगा। नौसैनिक भी बन पाएंगी महिलाएं। सेनाओं की भर्ती के लिए महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ को लेकर खुद सेना और सरकार की तरफ से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने साफ तौर से कहा कि अग्निपथ योजना में महिलाएं भी शामिल हैं। अभी तक नौसेना में महिलाएं सिर्फ अधिकारी रैंक के लिए ही योग्य हैं, लेकिन अग्निवीर योजना सेलर यानी नौसैनिक रैंक के लिए है, इसलिए महिलाएं नौसैनिक के पद के लिए भी योग्य हो जाएंगी। उन्हें भी बाकी अग्निवीर की तरह 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की सेवाएं देनी होंगी। उसके बाद 25% महिलाएं ही आगे अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगी और बाकी 75% को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। भारतीय थल सेना में पहले दूसरे साल 40,000 सैनिकों की भर्ती होगी, तीसरे साल 45,000 और चौथे साल 50,000 सैनिकों की भर्ती होगी। वहीं भारतीय वायुसेना में पहले दूसरे साल 3,500 सैनिकों की भर्ती होगी, तीसरे साल 4,400 और चौथे साल 5,300 सैनिकों की भर्ती होगी। वहीं भारतीय नौसेना में पहले दूसरे साल 3,000, तीसरे और चौथे साल भी 3,000 सैनिकों की भर्ती होगी। पहले साल अग्निवीरों को करीब 4.76 लाख रुपीस का सैलरी पैकेज मिलेगा, सालाना हर साल बढ़ेगा। चौथे साल वेतन बढ़कर 6.92 लाख रुपीस हो जाएगा। ITI ट्रेंड वालों को रिक्रूटमेंट में प्रायोरिटी या उनको लिया जाएगा। आर्मी में जो रहेंगे हो सकता है उनको ज़रूरत पड़ने पे चाइना बॉर्डर या पाकिस्तान बॉर्डर पे भी उनको भेजा जाए। सभी अग्निवीरों को 48 लाख रुपीस का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर मिलेगा। सेवा के दौरान किसी अग्निवीर की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 44 लाख रुपीस के अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। वहीं 100% अक्षमता पर 44 लाख रुपीस, 75% अक्षमता पर 25 लाख रुपए और 50% अक्षमता पर 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये पैकेज है, फर्स्ट ईयर पे 30,000 रुपीस है सैलरी, लेकिन इन हैंड जो मिलेगा वो 21,000 ही मिलेगा, 9,000 जो है वो अकाउंट में जमा होगा, 9,000 रुपीस आपके जमा होंगे और 9,000 रुपीस गवर्नमेंट अपने साइड से आपको जमा करेगी आपके लिए। उसी तरीके से सेकंड ईयर में 33,000 पर मंथ की सैलरी होगी, लेकिन जो इन हैंड मिलेगा वो 23,100 रुपीस मिलेगा, अगेन 9,900 अकाउंट में जमा होगा। थर्ड ईयर में 36,500 सैलरी होगी, लेकिन हाथ में मिलेगा 25,580 रुपये मिलेगा। फोर्थ ईयर में 40,000 रुपीस सैलरी हो जाएगी, लेकिन हाथ में 28,000 मिलेगा, 12,000 अकाउंट में जमा होगा आपके साइड से और 12,000 गवर्नमेंट जमा करेगी अपने साइड से। विजन, इनिशिएट इनटेक एंड रिटेंशन, इवॉल्व यूथफुल डाइवर्स प्लस टेक सेवी, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू यूथ टू सर्व द नेशन। ये विजन है अग्निपथ को स्टार्ट करने का और अग्निपथ ज्वाइन करने का। अग्निपथ योजना 17 से 21 साल, प्रशिक्षण अवधि समेत सेवा की अवधि 4 साल, प्रथम वर्ष का वेतन पैकेज 4.76 लाख लगभग, जो चौथे वर्ष में बढ़कर 6.92 लाख रुपीस तक हो जाएगा, सेवा मुक्ति ब्याज सहित 11.7 लाख रुपीस लगभग का सेवा निधि पैकेज, कर मुक्त रहेगा यानी टैक्स फ्री रहेगा, गैर अंशदायी 48 लाख रुपीस का बीमा है,
अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, स्किल सर्टिफिकेट। सेवा मुक्ति के बाद नौकरी की तलाश में मदद मिलेगी। और डिफेंस मिनिस्टर ये भी बता रहे थे कि हो सकता है आने वाले टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कैबिनेट्स हैं उसमें भी कुछ प्रायोरिटीज दी जाएं जो ये 4 साल सर्विस करके रिटायर होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर टू योर व्हाट्सएप। थैंक यू। सब्सक्राइब टू दिस चैनल।